अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और मेरे पीछे आपको लोगों का काफ़ी हजूम नज़र आ रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे कुर्बानी की जा रही है और गरीब लोगों में गोश्त तकसीम किया जा रहा है। इब्राहिम भाई से बात करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ के इंचार्ज हैं। अगर अभी वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं, वैसे तो ये काफ़ी मसरूफ़ टाइम है, लेकिन अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, तो कोशिश करते हैं किसी पुलिस वाले से भी अगर बात हो जाए कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उस हवाले से भी उनसे बात करते हैं। सही निशान के साथ रहेगा, मैं अभी आपको बाकी चीजें भी दिखाता हूँ किस तरह गोश्त कट रहा है और किस तरह तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, पुलिस के ये हैं, और इनसे जरा पूछते हैं। अली भाई एक बात बताइएगा, ये इतनी सी जगह पे चार चार पुलिस वालों का क्या काम है? यहाँ असल में मसला ये होता है कि गोश्त के लिए जो है ना गरीब लोग आते हैं, फिर वो आपको पता है मजमा लग जाता है, एकदम से लाइन नहीं होती है, फिर अंदर घुसते हैं, तो इस वजह से हम लोग कवर करने के लिए लाइन लाइन से उनको गोश्त लेने के लिए भेजते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई कहीं कुर्बानी का वो काम चल रहा हो, यानी कुर्बानी का गोश्त तकसीम हो रहा हो, वहाँ पे कभी बदमजगी हो गई हो बहुत ज़्यादा? नहीं, हम जब होते तो इंशाल्लाह यही कोशिश होती है कि कभी बदमजगी ना हो। हाँ, जब हम नहीं होते फिर हो जाती है, हवा में रश लग जाता है, तो इस वजह से। तो अभी आप लोगों ने इंतजाम सही संभाले हुए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने देखो सारे काम भी अच्छा सा हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एंड तक हम खड़े रहे यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। तो ये थे भाई अली भाई, और जिन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया कि यहाँ पे पुलिस क्यों मौजूद है और वो क्या कर रही है।